हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम यश सावलकर है। रियल नेम है यशवंत सावलकर और मैं रायपुर से हूँ। जैसे कि आप लोग ने मुझे को देखा होगा, एक सॉन्ग है मेरा महबूब सॉन्ग, उसमें देखा होगा जिसमें मैं एक्ट किया हूँ। और बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस में मैंने डायरेक्शन किया है जो मेरे खुद के चैनल पे है और कुछ अदर के चैनल पे है जिसमें गाने हैं। तो आज मैं अपना वो सॉन्ग महबूब जो मैंने बनाया हुआ था, उस सॉन्ग के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। सॉन्ग कैसे बना, वीडियो कैसे बना, हमने कहाँ कहाँ शूट किया, कैसे हुआ, एवरीथिंग, सब चीज़ बातें करना चाहता हूँ मैं। क्योंकि बहुत दिन से मैं चाह रहा था इसके बारे में बात करूँ, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। और दूसरी बात यह था कि लोग बहुत पूछ रहे हैं कि सॉन्ग कैसे बनाया, कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन है जो अभी मैं नहीं बताऊँगा, आगे बताऊँगा आपको। वीडियो को चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मेरा सॉन्ग आया था महबूब, जिसमें मैंने और राजनंदनी राव ने हम लोग ने एक्ट किया था एज अ आर्टिस्ट। और इसमें डायरेक्शन किए थे गौतम साहू ने और कोरियोग्राफ किए थे पायल नायक ने और सिनेमेटोग्राफी किए थे हमारे डंपी भाई ने, डंपी साहू जो हैं। और इसमें और भी तरह के लोग थे, जैसे कि जो सहयोगी थे ऋषभ वैष्णव था, लोकेश था, करण था और बहुत सारे थे, विराज भाई थे, सुष्मिता थे, जिन्होंने एक तरह से हेल्प भी किया था मेरे को इस गाने के लिए। तो मैं इस गाने का स्टोरी शुरू से बताता हूँ कि मैंने गाना कैसे बनाया, कहाँ शूट किया, क्या हुआ। गाना एक्चुअल पे उड़िया गाने का रीमेक है सर, उड़िया लैंग्वेज में ये था ओरिजिनल, जिसको हमने छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया था, चेंज करके हमने बनाया था। तो इस गाने को चेंज करने के लिए मेरे को तो उड़िया नहीं आता था, बट मैं इस गाने को चेंज करवाने के लिए एक स्टोरी लगाया कि किसको कटकी उड़िया आता है, क्योंकि ये कटकी लैंग्वेज में था, कटक उड़िया में। तो मैंने स्टेटस लगाया तो बिलासपुर के एक दीप्ति हैं, उनको शायद कटकी उड़िया आता था। तो मेरे को प्रिया ने बताया, सॉरी पिया, बिलासपुर की पिया ने मेरे को बताया कि दीप्ति को आता है कटकी उड़िया, शायद वो उस साइड की है ऐसे करके। तो मैंने दीप्ति से बात किया कि दीप्ति क्या आपको आता है कटकी उड़िया, ये मेरे को गाना आप छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट करके दोगे क्या करके। तो उन्होंने बोला हाँ, तो मैंने वो करा लिया, गाना तो मैंने करा लिया था अदर लैंग्वेज में ट्रांसफ़र, बट रुका हुआ था। स्टिल मैंने सिंगर से बात किया, इस गाने के जो मेन सिंगर हैं अन्नी सोनी, मेल सिंगर, तो और इस गाने के लिए उनसे बात किया कि अन्नी भाई ऐसे ऐसे है और आपको ये गाना करना है। तो उन्होंने बोला बिल्कुल भाई, तो मैंने बताया कि उड़िया का रीमेक है, हम लोग इसको मेरे चैनल में मैं करा रहा हूँ, स्पेशल है ये गाना, मेरे को अच्छे से फील हुआ, जो गाना सुना उसके हिसाब से ऐसे करके मैंने बात किया। तो ये गाना उड़िया में तुम मोरे महबूब करके था, जिसमें कि हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर रोशन वैष्णव ने म्यूज़िक दिया था इस गाने को। तो इस टाइप से था। तो अन्नी से मैंने बात किया तो बोले कि ठीक है करते हैं भाई ऐसे करके। तो मैं अतुल से मैंने म्यूज़िक बनवाया, तो म्यूज़िक मैं चाह रहा था कि सेम म्यूज़िक से अलग रहता, कि कॉपीराइट ना आए म्यूज़िक पे, सेम टू सेम कॉपी किया करके। तो मैंने अतुल से बात किया कि अतुल भाई ऐसा ऐसा बात है, आप इसके लिए एक नया बीट बनाओ, रोमांटिक और वेस्टर्न बीट बनाओ, थोड़ा सा हटके बनाओ करके। तो अतुल भाई ने भी बोला, पहले तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं था म्यूज़िक जो बनाए थे फर्स्ट में, जो डेमो के लिए बनाए थे तो उन्होंने उसमें बनाया, उसके बाद मेरे को सेंड करा। तो मैंने चेक करा था, मैं बोला अतुल भाई थोड़ा डिफरेंट करो, कि ये सेम टू सेम हो जाएगा तो अपने को कॉपीराइट वगैरह का ज़्यादा चांस रहेगा। तो उन्होंने एक और डिफरेंट म्यूज़िक बनाया, फिर मेरे को सही लगा। तो अब बात थी कि मेल सिंगर तो हमारे लिए हो गया, लेकिन फीमेल सिंगर कैसे रहा, हमारे पास थोड़ा चैलेंज था। तो हम लोग चाहते थे कि न्यू कमर को चांस दें। तो मेरे कुछ अजीज दोस्त हैं जो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जुड़े हुए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, एज अ बहुत कुछ काम कर रहे हैं। तो कई लोग से मैंने कंसल्ट किया, तो एक मेरे दोस्त हैं जिनको मैं तकरीबन 3-4 साल से जा रहा हूँ, लोकेश साहू करके, जो भाई बोलदा उजार से, बट रहते बिलासपुर में थे उस टाइम वो, फिर
बिलासपुर से, फिर बड़ौदा में भी रह रहे हैं, तो उनका गाना आपने भी सुना ही होगा, तोला घुमाऊँ बड़ौदा बाजार, और भी वो गाना था मोला लड़का चाहिए बस बात ख़त्म, और बिंदास बहुरानी के साथ और गाना है। तो वो भाई हैं लोकेश साहू, जिनका आप लोग जानते हो, बखूबी, जो नहीं जानते वो सर्च करके देख सकते हो। तो वो भाई का था सहयोग, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये गाना करना है, ऐसा सा बात है, तो बोले कि एकदम डिट्टो कॉपी मत करना, थोड़ा बहुत चेंज करना, और रिमेक बना रहे तो ऐसे करके। मैंने बोले चलो ठीक है, कंसल्ट किया भाई से, तो बोले कि ठीक है करो ऐसे करके। फिर मैं बोला उनको भाई लड़की चाहिए यार, नई लड़की चाहिए, क्योंकि पुराने नहीं ले सकते, थोड़ा नया उतारते हैं सिंगिंग के लिए। उन्होंने बोला कि ठीक है कोई देख मॉडल इंस्टाग्राम वगैरह में डाल, सॉरी मॉडल बोल रहा हूँ, कोई देख सिंगर इंस्टाग्राम में डाल, ताकि इंस्टाग्राम से कोई आए और वो करे करके। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक ऐड बनाया कि वी नीड अ न्यू फ्रेश सिंगर, तो ऐसा करके मैंने बनाया कि अन्नी सोनी के साथ उनका वो है गाना है जो करोना समझ के चखा दिए ने गाने से फेम है करके। तो बहुत लोग का मेरे पास आया, तो मैंने भाई को भेजा लोकेश को कि भाई देखो ऐसा ऐसा चीज़ है, इसमें से पिक करते हैं ऐसा करके। तो उसने बोला कि ठीक है चेक करता हूँ करके। मेरा पहले ये इंस्टाग्राम से सिंगर उठाने का नहीं था मोटो, मेरा एक मैंने एक बात किया था कि दो भाई बहन है, क्या नाम है राम करके बंदा, उसकी बहन का नाम नहीं पता, दो लोग से उन लोग से बात किया था कि यार आपकी बहन से गाना कराना है ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कर देंगे करके, वो भी नए थे, बट उनका अच्छा सडनली उस टाइम पे ना एक एल्बम आ गया। तो मैं सोचा यार इस मैं मेरे को न्यू सिंगर चाहिए और उनका आ गया है कैसे करूँ करके। तो मेरे को लोकेश भाई ने भी मना किया कि चलो ठीक है अभी नहीं करते उनके साथ, दूसरे बार उनके साथ वर्क करेंगे, अभी फ्रेश एकदम फ्रेश नया सिंगर देखते हैं करके बोले। बोला चलो ठीक है, लोकेश भाई का भी मैंने बात माना। और फिर हमने फाइंड किया तो रायपुर के ही लता महानंद करके हैं, जिन्होंने महबूब को गाया है, उनका एक वीडियो आया, तो उन्होंने तकरीबन 5 मिनट का एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग गाए थे। अगर हो सके तो मैं क्लिप इसमें डाल दूंगा, अगर वो क्लिप मिलेगा मेरे को तो। तोरे इकरार मा मैं के धार मा गाऊं मैं गीत प्रीत के संगीत तोरे प्यार मा, तोर इकरार मा मैं के धार मा गाऊं मैं गीत प्रीत के संगीत तोरे प्यार मा, ते बुलाए मैं आगे वो सजना डार के तोरे मैं आके गजरा, मांग मते सिंदूर सजा दे ले चल मोला अपन अंगना, मोर संसार मा मैं के धार मा गाबू मैं गीत प्रीत के संगीत तोरे प्यार मा, मैंने जानो कहोगे मोला एक एक सपना मा देखो मैं तोला, अब रंग मोला कोई ना भाई जब ले तोरे रंग लागे मोला, मोर संसार मा मैं के धार मा गाबू मैं गीत प्रीत के संगीत तोरे प्यार मा, मैं जब ले देखो तोलाऊंगे मैं तोरे संग मैं, मोला पहले नजर मारा झाऊंगे मैं तोरे संग मैं, मोर दिल के लिफाफा मा है तोर नाम के संदेश, मोर अंतस के कुरिया मा तोर नाम हावे हमेशा, मैं जब ले देखो तो लाओगे मैं तोरे संग मैं,
मोला पहले नजर मारा जाओगे बया तोरे संग बया मोर आँख के काजल मोर कान के बाली बस तोरे लिए मोर होठ के लाली तोर जान ले जाए मोर होठ के लाली मैं जब ले देखो तो लाओगे मैं तोरे संग तोरे संग बंधा जाए तेरे तक डोरे रे ए मोर मन मोहना तोरे संग बंधा जाए तेरे तक डोरे रे ए मोर मन मोहना देखियो जब ले तोला जाने कहोगे मोला देखियो जब ले तोला जाने कहोगे मोला मोर मन तोरे संग रुम झुम झुमेला लागे रे ए मोर मन मोहना तोरे संग बंधा जाए तेरे तक डोरे रे ए मोर मन मोहना गुनन गुनन भवरा गुनगुनाते मोर मन के गीत गवाते गुनन गुनन भवरा गुनगुनाते मोर मन के गीत लगाते झिमिर झिमिर झरना के झिम झिम जब राम आगे लगाते झिमिर झिमिर झरना के झिम झिम जब राम आगे लगाते तरसते हैं चोला माया दे दे मोला तरसते हैं चोला माया दे दे मोला बिन तो अब मोर जियरा क्यों ना लागे रे ए मोर मन मोहना तोर संग बंधा जाए तेरे तक डोरे रे ए मोर मन मोहना हो कब आवे मोरे अंगना बांधी ले मैया के बंधना कब आवे मोरे अंगना तुर मीठे बोली हारे मन ला मोहे राजा मोर बांधी ले मैया के बंधना बन जाते मोरे सजना बांधी ले मैया के बंधना बन जाते मोरे सजना नाहर के पानी भगेला तारता जिनकी के मोरे ताही हारे आधार जिनकी के मोरे ताही हारे आधार बधाई कल की अचरा के छोर पागा माते कल की बांधेना कब आबे मोरे अंगना पागा माते कल की बांधेना बन जाते मोरे सजना तुर मीठे बोली हारे मन मा भाए राजा मोर बांधी ले मैया के बंधना बन जाते मोरे सजना बांधी ले मैया के बंधना बन जाते मोरे सजना 5 मिनट का गाना था तो वो चीज मेरे को मिला तो उसके बाद हमने सिलेक्ट किया फिर उनसे बात किया कि ऐसा ऐसा है ये गाना है उड़िया का है डायरेक्ट हमने नहीं बताया कि ऐसा है करके फिर उसके बाद मैंने उनसे बात किया कि आपको गाना करना है आप ये उड़िया के महबूब वाले गाने का दिया क्योंकि वो महानंद तो उड़िया जानते हैं तो मैंने उनको बोला कि इस गाने को आप एक बार गा के देखो मैं उनको देखना चाहता था फील कैसा है करके तो उन्होंने बखूबी बखूबी अच्छे से गाया वो गाना बहुत अच्छे से गाया तो मैं इस चीज़ को अन्नी को भेजा अन्नी सोली फिर जैसे लता ने उस गाने को गाया महबूब को तो मैंने उसको अन्नी को भेजा कि भाई देखो ये लड़की को हम लोग फाइनल कर रहे हैं और लोकेश भी बोला कि ये सही है लता महानंद न्यू उठा
न्यू उठा के कर, ताकि उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो भी नई रहेगी तो थोड़ा अच्छा करेगी ऐसे करके डिफरेंट ला, क्योंकि यहाँ के सब सिंगर तो सुन ही रहे हैं पब्लिक, तो कुछ नया ला के दे। तो मैंने सेम किया और उनसे एक वोकल मंगा लता से, और उस वोकल को मैंने अन्नी को भेजा, भाई न्यू सिंगर है तो आप देखो उसको, उनका स्केल वगैरह देखो कितना गा सकते हैं क्या कर सकते हैं करके। उसके बाद वो बोले कि हाँ हो जाएगा इनसे, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाना करके। फिर मैंने वही किया, उसके बाद उन्होंने जैसे कि बीट वगैरह रेडी किया, तो ऐसा नहीं था कि सडनली हुआ ये चीज़ मैं लिरिक्स लिख पाया था और म्यूज़िक बनवाया, उसमें तकरीबन एक साल का लग गया मेरे को। कुछ कुछ चीज़ें थी जिसके वजह से रुक गया, कोविड आ गया बीच में, कोविड आया तो उस वजह से डिले हो गया, और कोविड आया फिर आप समझ सकते हो सबका कंडीशन कैसे हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। मतलब ये 2019 के एंड में ही गाना बनने वाला था, बट कोविड आया तो थोड़ा सा डिले हो गया, उसके बाद से गाना रुक गया बनने के लिए। फिर ये गाना का काम 2020 में चालू हुआ, 2020 में वो भी अगस्त सितंबर में चालू हुआ ये गाने का काम। तो उसमें भी एक से दो महीना गाने में लग गए, क्योंकि अतुल फ्री नहीं था, अतुल बिजी था, उसके और कुछ प्रोजेक्ट थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जिसमें अतुल काम कर रहा था पहले से। तो अतुल भाई ने बोला कि अभी थोड़ा लेट होगा, तो मैं बोला चलो ठीक है मेरे पास अभी टाइम है, बट मेरे को नवंबर में लाना है, 25 नवंबर तक लाना है करके मैंने एक डेट फाइनल किया, 25 नवंबर को वीडियो डालना है करके। बट जैसे तैसे गाना का काम हुआ, वो ले बनाए, वहाँ वॉइस हुआ कोरबा में अतुल भाई के पास, डीजे अतुल करके जो बहुत अच्छे म्यूजिक बनाते हैं। जी लोग डीजे अतुल को नहीं जानते होंगे उन लोग यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो डीजे अतुल करके, उनके द्वारा बनाया गया बहुत सारा सॉन्ग है, जैसे करौंदा है और भी माया दे जाना माया ले जाना, बहुत सारे ऐसे ऐसे हिट हिट गाने हैं और आप उनको सर्च करके देख सकते हो। और अभी बहुत सारे ने और दोनों के लिए गाना कि दूसरे के लिए गाना किया, उन लोग को सर्च करके देख सकते हो। तो भाई ने एक बीट बनाया जिसपे हम लोग ने वर्क किया, मेल सिंगर का तो वोकल वहाँ से उन लोग ने रिकॉर्ड कर लिया, अब मेन था फीमेल का। मैं तो उस टाइम रिकॉर्डिंग में काम नहीं करता था, कहीं से मेरे को नॉलेज नहीं था कैसे करूं, तो मैंने एक चांस लिया, मतलब कहीं से पता चला विकास भाई, विकास साहू जो कि देवपुरी से हैं, मेरे बहुत सारे वीडियो उन्होंने शूट किया और मेरा एक मोटो वही दिया है कि यूट्यूब में, तो उनके बारे में कभी मैं और बताऊँगा, अभी शॉर्ट में बताता हूँ, आगे चल के मैं बताऊँगा विकास के बारे में। तो जैसे कि विकास भाई ने बताया कि यहाँ यहाँ पास एक नया स्टूडियो है राजेंद्र नगर में, आप जाके वहाँ से वो का रिकॉर्ड कर लो। तो उन्होंने एक बंदे का नंबर दिया तीरथ भाई का, तीरथ वहीं स्टूडियो में काम करता था सोनो रिकॉर्डिंग में, जहाँ परिहार सर हैं, अजेंद्र सिंह परिहार हैं जहाँ रिकॉर्डिस्ट एज अ म्यूजिक सॉरी रिकॉर्डिस्ट नहीं है, वो साउंड इंजीनियर हैं, वहाँ साउंड इंजीनियर है उनका होम स्टूडियो है। तो उन्होंने बताया, सजेस्ट किया, तो मैं लता वहाँ से मैंने कोरबा से एक बीट मंगा और लता को लेके वहाँ स्टूडियो में गया। तो प्रैक्टिस एक ही दिन का वो पद घर में प्रैक्टिस किए थे हल्का फुल्का बिना बीट के, तो मैंने उनको वहाँ लेके गया और एक दिन भी नहीं लगा हमको रिकॉर्ड करने के लिए, हमने वहाँ से वोकल रिकॉर्ड किया। उसके बाद उस वोकल को मैंने भेजा कोरबा, कोरबा जाने के बाद उस वोकल पे काम हुआ, तो उसमें भी टाइम लगा क्योंकि अन्नी का रिकॉर्ड हुआ फिर इनका रिकॉर्ड हुआ, तो दोनों को फिर काम हुआ, फिर सैंपल भेजे, फिर मेरे को पसंद आया नहीं आया, इसमें पसंद ना पसंद ऐसे होते गया, मैंने चूज़ किया कि ये करो वो करो, इसमें यहाँ पर डिफरेंट करो यहाँ पर चेंज करो, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि एक सॉन्ग बनने में बहुत सारी चीज़ लगते हैं, एक कम्प्लीट सॉन्ग बनने में बहुत टाइम लग जाता है, लोग सोचते हैं कि गाना ऐसे बन जाता है, भाई गाना बनाने बहुत टाइम लगता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। नॉर्मली आप एक बना सकते हो, नॉर्मली बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप बजाओ लाइव इंस्ट्रूमेंट बजाओ लाइव रिकॉर्ड करो बना सकते हो तुरंत बन जाएगा, लेकिन अच्छे से बनाना है, वोकल क्वालिटी साउंड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो वो टाइम मेरे को लगा। तो ऐसे तैसे करके मेरे को तकरीबन इस गाने पे काम करने के लिए मेरे को एक साल लग गया। अब एक साल तो लग गया था, तो बहुत सारी दिक्कतें भी आई इस बीच में कि कॉपीराइट मत आ जाए, अगला वहाँ से
जो मेन चैनल वाले हैं जी म्यूज़िक वाले, वहाँ वहाँ के उड़ीसा के लोग कॉपीराइट ना मारे लिरिक्स में, बहुत सारा मेरे को डर था। मैंने कांटेक्ट करने का बहुत कोशिश किया आशिमा पांडा जी को, कोशिश किया और इसमें के गायक, सॉरी मैंने गलत नाम बताया था, हुमन सागर इसी के गायक नहीं है, इसके गायक का नाम मैं भूल गया, मेल वाले का कुछ है उनका नाम, सॉरी मैं भूल गया। तो मैं आगे बताता हूँ, तो मैंने कांटेक्ट किया तो कांटेक्ट नहीं हुआ, जी म्यूजिक वाले को कांटेक्ट किया उनसे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो और कुछ कुछ हुआ कांटेक्ट जिनसे, तो बोले कि परमिशन नहीं मिलेगा, बट मैंने ऑडियो बना लिया था, कैसे करूँगा, मतलब जो होगा सो देखा जाएगा। इस तरह से मैंने काम करना चालू किया उसमें, वीडियो में वीडियो के लिए काम चालू करना किया। मैं इस गाना को बनाने बन मतलब ट्रैक बनने से पहले, एक ऑडियो बनने से पहले मैं इसमें लड़की फाइनल कर चुका था जिसका नाम है अफसाना खान। अब मैं इसका पूरा स्टोरी बता रहा हूँ इस गाने का, ताकि आप लोग को पता चले, जिन लोग नहीं जानते उन लोग को, कि मैं किसको कास्ट करना चाहता था, किसको क्या हुआ था, क्या हाँ कहाँ गड़बड़ी हुई, कहाँ कैसे हुआ, हर एक चीज़ ऑल डिटेल बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने अफसाना को कास्ट करने का सोचा था, बात किया था, पूरा बात हो गया था, हर चीज़ ओके था, उनके तरफ से भी डन था। बट जिस टाइम शूट करना था उसके 10 दिन पहले ही कुछ उनके यहाँ फैमिली इशू, उनके पापा शायद इधर कुछ हो गया, तो इस वजह से अफसाना ने सडनली मेरे को मना किया। मैं बोला यार 10 दिन कुछ बाकी है, शूटिंग करना है, सब चीज़ फाइनल है और आप मना कर रहे हो, बट उनका भी कंडीशन मैंने समझा। फिर मैंने और फाइंड किया, तो मैंने विराज और सुष्मिता के पास गया, मैंने बोला उनको कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे को एक लड़की आर्टिस्ट चाहिए, लड़की चाहिए, एक्ट्रेस चाहिए मेरे गाने के लिए जो मैच कर सके। तो सुष्मिता उस टाइम पढ़ाई कर रही थी, तो उसने मेरे को सडनली सजेस्ट किया कि भैया इस ये चलेगी क्या, देखो करके। उन्होंने एक लड़की का फ़ोटो दिखाया और उन्होंने इंस्टाग्राम आईडी दिखाया, उन्होंने बोला लड़की तो ठीक है, हाइट क्या है क्या है सब बात कर लो ऐसे करके। तो उनका नाम था मेघा चौहान, जो कि बिलासपुर से थे। मेरे को सही लगा, फेस कट वगैरह, बॉडी लैंग्वेज और आईडी भी मैचिंग था, तो मैंने बोला कि ठीक है बात करो, एग्री होंगे कि नहीं होंगे करके। तो उनसे मैंने बात किया, उसके बाद उन्होंने हाँ तो बोल दिया, हाँ बोल दिया। उसके बाद बोलते हैं कि बाहर जाना था उड़ीसा, तो उनके यहाँ अलाउ नहीं करेंगे, बोले उड़ीसा जाना था। तो मैंने बोला ठीक है, फिर ऐसे करके फिर मैंने और लड़की फाइंड करना चालू किया, तो एक मिली भाटापारा, भाटापारा की एक लड़की मिली जिसका नाम अपूर्वा था। तो मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लूँगी करके। वो मिलने भी आए एक दिन मेरे से कि हाइट वेट मैच करना है करके, मैंने बोला तो मिलने भी आए, मिले विले सब था ठीक था। बट बाद में बोलती है कि मेरे भैया मना कर रहे हैं, बाहर सुख करना है ऐसा वैसा करके। मतलब कोई इशू नहीं, बाहर सुख करना है तो करके, अब मना कर रहे तो फोर्स भी नहीं कर सकते, फैमिली वाले मना कर रहे हैं तो। अब आजकल होता क्या है, लड़कियां तो रेडी हो जाती हैं, हाँ कर लेंगे शुरू में ऐसे बोल देते हैं, लेकिन बाद में जब फाइनल करने की बारी आती है तो बोलते हैं यार घर वाले मना कर रहे हैं ऐसा कर। ऐसा मेरे साथ दोनों एक्ट्रेस के साथ हुआ। चलो अफसाना का तो फैमिली रीजन था तो वो कोई नहीं, बट इधर दोनों के साथ वही हुआ, वो चीज़ हुआ। तो फिर मैंने फिर लड़की फाइंड करना चालू किया, तो उस टाइम हमारा एक था कि मोला लड़का चाहिए बस बात ख़त्म, जो लोकेश भाई का गाना आने वाला था उस गाने के लिए हम लोग लड़की फाइंड कर रहे थे, और मेरे गाने के लिए भी लड़की फाइंड कर रहे थे। तो हमने एक बात किया था माही साहू से लोकेश के गाने के लिए, तो हम लोग वहाँ फ़ोटोशूट में गए कि प्री पोस्टर लॉन्च करने करके। तो फ़ोटोशूट कर रहे थे, उसके बाद फ़ोटोशूट वो कम्प्लीट हुआ, फिर लोकेश घर गया, फिर मैं और माही गार्डन में बैठे थे। तो मैंने माही से बोला माही ऐसा ऐसा बात है यार, ये गाना है मेरा, सुनो तो इसके लिए मेरे को लड़की चाहिए बट मेरे हाइट से मैच हो ऐसे करके। तो उन्होंने सडनली एक लड़की का मेरे को इंस्टाग्राम आईडी दिखाया और बोला ये चलेगी, मैंने बोला हाइट कितनी है, तेरे से तो छोटी है हाइट में सर, बोला ठीक है बात करा।
तो उन्होंने तुरंत उनको मैसेज किया कि ऐसा ऐसा बात है। तो वो थी राजनंदिनी, राजनंदिनी राव। तो उन्होंने उनसे बात किया, उनके पास भी नंबर नहीं था माहिक पास, उन्होंने बात किया राजनंदिनी से, नंबर ली, उसके बाद मेरे को सेंड करी, फिर मैंने उनसे बात किया। एक दिन हम तो ऐसा करके हम मैं उससे कांटेक्ट किया राजनंदिनी से, तो उन्होंने बोला हाँ मैं कर लूँगी। और उन्होंने एक कवर भी किया था गाना, शायद सुनना सुनना बगिया मैं किया था, क्या था आई डोंट नो, मैं उनका जो कवर था वो उसको भूल गया उसका नाम, बट अनिकृति का शायद गाना था जिसको उन्होंने एम रॉक एंजल में कवर किया था, ठीक था गाना था। मैंने बोला चलो ठीक है आप कर लेते हैं करके। फिर उनसे मैंने मिला कि एक दिन चलो मिलते हैं, हाइट मैच करते हैं, हाइट मैच बहुत ज़रूरी है कि हाइट कम ज़्यादा, मतलब कम हो तो चलेगा मेरे से लेकिन मेरे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा करके थिंकिंग थी। तो मैं उनसे मिला मरीन ड्राइव में, मैं बुलाया उनको तकरीबन दोपहर का 2 बजे था। तो ऐसा हुआ मिलने का भी क्या था कि मैं बुलाया उनको, बैठा हूँ मैं, वेट कर रहा हूँ, आ नहीं रही है। मैं बोल रहा था यार कैसा कर रही है, आ नहीं रही है, बार बार फ़ोन कर था, आई से नहीं रहे थे वो। फिर सडनली वो आए, फिर बात किया हमने थोड़ी देर, फिर मैंने बोला आप खड़े हो जाओ हाइट मैच करने के, तो वो खड़े हुए। समथिंग इतना कुछ आया मेरे ओके, इतना मोटा मोटा का हील वाला चप्पल पहने थे। मैंने बोला कि चलो ठीक है, बॉडी लैंग्वेज देखा मैंने, ठीक लगा मेरे को। और उनके एक्सप्रेशन, उनके वीडियोस मैंने इंस्टाग्राम में देखा, एक्सप्रेशन वाव वाला एक्सप्रेशन है। आप अगर उनका देखना चाहते हैं एक्सप्रेशन तो आप इंस्टाग्राम में जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उनका आईडी का, राजनंदिनी राव का, आप उनके वीडियोस देखना। बाय गॉड इतना तगड़ा वीडियो बनाती है ना, एक्सप्रेशन ऐसे देती है ना। अभी लेटेस्ट और कुछ वीडियो हैं जिनको देखना, एक वीडियो मैं अभी यहाँ पर डालूंगा, देखना उनका एक्सप्रेशन। एक पल में ही थम सा गया, तू हाथ में हाथ जो दे गया, चलो मैं जहाँ जाऊँ। मैं उनका लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तब वहाँ से देख लेना। तो ऐसा था कि उसका एक्सप्रेशन मेरे को बहुत प्यारा लगा, तो मैंने उनसे बात किया चलो ठीक है, फाइनल नहीं हुआ था अभी, बहुत कुछ बाकी था। मैंने बोला कि उनको कि उड़ीसा शूट करने जाना है, तो आप भी उड़ीसा के लिए एग्री होना इस करके। तो वो बोले कि बात करना पड़ेगा घर में, बोले बट मेरे को शाम के 7 बजे तक 8 बजे तक मेरे को घर आना है, बोले। घर वाले तो मान गए हैं, बात किए वो तो मान गए हैं, तो 7-8 बजे तक घर वापस आने, बोले। बोला ठीक है। एक्चुअल में हमारा फर्स्ट लोकेशन था ये सरायपाली के पास, कुछ माउंटेन है, शिशुपाल पर्वत मेरा फर्स्ट लोकेशन था, मैंने वो लोकेशन फाइनल किया था। वहाँ माउंटेन है तो वहाँ से झरना से पानी आता है, बट मैंने लोकेशन को देखने के लिए लड़के लोग को भेजा, ऋषभ मेरा भाई जो भंवरपुर से, उसको भेजा। तो वो लोकेशन देखने गया, जैसे लोकेशन देखा तो वहाँ पर क्या बोलते हैं वो था, झरना बंद हो चुका था, पानी नहीं आ रहा था, तो व्यू अच्छा नहीं आता। तो मैंने बोला कि चलो फिर दूसरा लोकेशन बता, बोला। तो उन्होंने एक उड़ीसा का लोकेशन सजेस्ट किया, देवदरहा ऐसा करके कुछ है समथिंग। मैं नाम में बहुत कन्फ्यूज़ होता हूँ इसके नाम में, मैं उसका लोकेशन मैं यहाँ डाल दूँगा मैप का कि कहाँ हमने गाना शूट किया था, आप लोग जाके देख सकते हो, बहुत प्यारा लोकेशन है। तो वो लोकेशन मेरे को ऋषभ ने बताया, यूट्यूब का लिंक वगैरह दिया, मैंने लोकेशन देखा, मेरे को बहुत प्यारा लगा, अरे वाह वाह वाला लोकेशन लगा। बट यहाँ से था वो 185 किलोमीटर रायपुर से समथिंग कुछ था। तो सरायपाली से अपने को घुसना था उड़ीसा के लिए तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर, और जंगल में भी था वो। तो मैंने बोला हाँ चलो ठीक है। तो वहाँ तक तो लोकेशन का डिसाइड हुआ, तो इस लोकेशन पे बहुत सारा मदद किया था ऋषभ वैष्णव ने, जो मेरा भाई है जहाँ भंवरपुर में रहता है, वो तो लोकेशन के लिए वो मदद किया था। तो लोकेशन फाइनल हुआ, जिनने यहाँ लड़की तो फाइनल हुई कि उनको आना था 7 से 8 बजे तक। और यहाँ कैमरा अरेंजमेंट का बात करता हूँ मैं, कैमरा अरेंजमेंट कैसे करना किया क्या किया इस चीज़ के लिए भी एक मैं बात कर लेता हूँ, वीडियो के बाद आइए। तो कैमरा अरेंजमेंट के लिए बात ऐसा हुआ कि मेरा तो पूरा गाना शूट करता था, मेरा गाना और शॉर्ट वीडियो हर एक चीज़, और एडिट भी करता था विकास भाई। अब विकास भाई के बारे में थोड़ा अच्छे से बताता हूँ।
सॉरी कि विकास भाई कौन है क्या है इसके लिए इनका पूरा डिटेल बताता। विकास साहू इनका नाम है जो कि देवपुरी में रहते हैं और उनका एक फ़ोटोग्राफी का वो है काम है, उनका चैनल भी है रॉयल फ़ोटोग्राफी करके, तो वो भाई हैं। तो बात ऐसी है कि हम लोग 2019 में टिकटॉक जब बनाते थे तो भाई ने बोला कि जैस भाई आप शॉर्ट वीडियोस वगैरह क्यों नहीं बनाते हो, तो बोला यार मेरे पास कैमरा नहीं है शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, बट मेरे पास आर्टिस्ट हैं और मेरे पहचाने बहुत लोग हैं जो करना चाहेंगे। तो उन्होंने बोला कि आप कैमरे का टेंशन मत लो, कैमरा मेरे पास है, आप आर्टिस्ट और स्टोरी जमाओ ऐसे करके। तो मैंने एक स्टोरी मैंने बहुत पहले मैं एक स्टोरी लिखा था वो रहा एक लव स्टोरी, तो वो समथिंग कुछ मेरे लाइफ से रिलेटेड भी था और ऐसा कुछ था, उसको छोड़ दो, तो वैसा था। तो स्टोरी को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया और विकास भाई को बोला कैसा ऐसा स्टोरी भाई करते हैं, तो उसके लिए मैंने सिद्धार्थ भाई और निशा को लिया और रोशन था और वहाँ दिशा थी और संदीप भाई लोग थे, दोनों संदीप भाई थे और रजत भाई लोग थे गुंडे के रोल में। तो ये वीडियो हम बनाए हम लोग, तो इसके पीछे मेरा मतलब इस फील्ड में आने के पीछे मतलब YouTube में आने के लिए विकास भाई का हाथ है, YouTube की फील्ड में आने के पीछे विकास भाई का हाथ है जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो अगर विकास भाई मेरे को मोटिवेट नहीं करता कि भाई आप करो मैं हेल्प करूँगा, मेरे पास कैमरा है मैं हेल्प करता आपका ऐसे करेगा कर नहीं बोलते, तो मैं ये नहीं कर पाता। और विकास भाई ने भी इस चीज़ के लिए मेरे को मोटिवेट किया कि भाई आप करो मैं हेल्प करूँगा, और बनाने के टाइम भी उन्होंने हेल्प किया, एडिटिंग में भी हेल्प किया, पोस्टर डिजाइनिंग में भी हेल्प किया विकास भाई, बहुत मतलब सभी तरह से हेल्प किया विकास भाई ने। तो आज भी वो बोलते हैं कि किसी तरह की ज़रूरत हो तो बताना, और आज भी अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरा ये गाना शूट करना है ये करना है तो मेरा पूरा का पूरा हेल्प करते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। तो ऐसे हैं विकास भाई। तो ये था विकास भाई का। तो मैंने महबूब के लिए भी मैंने विकास भाई से बात किया, तो वो बोले कि हाँ एक कैमरा है, कौन सा कैमरा बताते हैं 60 Mark 60 करके, तो उसमें करेंगे ठीक है करते हैं। बट सडनली उनका एक ऑर्डर आ गया, उनका ऑर्डर था अभनपुर में सगाई का, तो ऐसा था कि ऑर्डर कि अगला बंदा का डिमांड था कि तू आएगा तो ही ऑर्डर करना विकास के लिए। बोला यार मैं तो फंस गया बोलते हैं, बोला ठीक है विकास भाई आप अपना ऑर्डर देखो मैं और कुछ देखता हूँ करके। तो फिर मैं फिर दिमाग लगाया कैसे करूँ कैमरे के लिए कैसे करूँ करके थोड़ा सोचा। फिर ऐसी बात करते करते एक कोरबा के भाई हैं संदीप राठौर करके, तो उस भाई से बात किया, तो उसके पास निकॉन Z6 लिया था, वो कहते हाँ भैया मैं कर दूँगा Z6 है ऐसे करके। फिर उसके साथ भी सेम कंडीशन हो गया, उसके पास भी ऑर्डर आ गया, तो ऑर्डर था उसके पास पहले से आया हुआ था बट कंफर्म नहीं था। तो मैंने भी फ़ोन किया था भैया कंफर्म नहीं है ऑर्डर, अगर नहीं ऑर्डर कंफर्म होता ना तो मैं करूँगा, अगर अगर का ऑर्डर कंफर्म हो जाता है तब दूसरे से करा लेना करके। तो बोला ठीक है, तो शायद उनका ऑर्डर उधर से कंफर्म हो गया, तो उन्होंने बोला भैया ऐसे बात नहीं कर पाएंगे। तो इस बीच मैंने फिर सोचा कि मैं कैसे करूँ करके, तो गौतम था गौतम साहू जो कि मेरा पहले एक गाना शूट किया था हो जा रे कुल और भाई दो गैंगस्टर दोनों को शूट किया था वो, तो मैं बोला चलो गौतम भाई से बात करते हैं करके। तो गौतम भाई से बात किया तो उन्होंने बोला कि छोटा कैमरा शूट नहीं करते हैं, एक है उनके पहचान के दिलीप भैया करके दिलीप साहू, तो PTF करके उनका चैनल है, तो वहाँ से बोले कि मैं इनसे बात करता हूँ, उनके पास M3 है सोनी का तो उसमें शूट कर लेंगे करके, पूरा किट है गिम्बल वगैरह सब है करके। तो उन्होंने बोले चलो ठीक है बात कर लो फिर देखते हैं करके। तो भाई ने बात किया उसमें तो उन्होंने हाँ बोल दिया, फिर हमने कैमरा भी अरेंज हो गया हमारा, एक्ट्रेस भी अरेंज हो गई, अब था जाने का वहाँ किस में जाना है क्या करना है। तो जाने के लिए ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ तो इको है मारुति का इको है जिसमें कि 10 सीटर समझ जाओ 8 सीटर है बट 10 10 लोग बैठ सकते हैं,
ऐसा था, तो जाने के लिए भी अरेंजमेंट हो गया, घर की गाड़ी थी, चलाएगा कौन, गौतम हो गया, तो ऐसा था। तो फिर मैंने बोला कि हेल्प के लिए और भी बंदे चाहिए थे, तो मैंने लोकेश को बोला, तिल्दा वाला मेरा भाई है, लोकेश और करण आएगा वहाँ से। तो आनंद खान ने बहुत सारी तैयारी की है जाने के लिए, और फिर तैयारी हुआ, निकलना था हम लोग को 4 बजे रायपुर से निकल जाना था, ऐसा तैयार था, हम लोग रात भर सोए भी नहीं थे उस दिन। जिस दिन जाना था मैं सो नहीं पाया, गौतम को बार बार फ़ोन कर करके कर रहा था, नंदिनी को कर रहा था, नंदिनी भी नहीं सोई थी, और फिर पायल को भी कर रहा था, सब तरह से अरेंजमेंट कर रहा था इधर उधर। फिर जाने के लिए हुए यहाँ से, तो निकलने के लिए तो 6 टाइम में निकल गए थे हम लोग जाने के लिए, इसी टाइम जाना है करके, तो पहले निकल गए थे टाइम से, पहले जिस टाइम में निकलना चाहते थे 4 बजे, तो 5 बजे कुछ, हाँ 4:30 5 बजे कुछ निकले। अब यहाँ पर हमारी गलती, बहुत बड़ी गलती ये हुई कि नंदिनी ना मेरे को एड्रेस दी, क्या एड्रेस था, एड्रेस में भूल अरे यार कुछ तो एड्रेस था, तो उस एड्रेस को, मेरे को लगा कि वो एड्रेस संतोषी नगर के आगे है करके, तो मैं लोकेशन भी दी वो बंदी राजनंदी, लोकेशन भी दी मेरे को, मैं लोकेशन फाइंड करना बोला, अरे संतोषी नगर चल उधर उधरी से ऐसे करके लेके चल, संतोषी नगर पहुँचे हैं लोकेशन और दूर बता रहा है, बोला आपकी नंदी को फिर फोन, तो वो बोलती है वहाँ WRS कॉलोनी के पास है करके। मैं बोला अरे यार इतना उल्टा आ गया करके, इतना परेशान हो, टाइम मत हो गया करके। फिर हम लोग रिटर्न मार के WRS कॉलोनी गए, फिर वहाँ से सबसे पहले तो हम लोग घर से निकले और पायल को उठाए, जो कोरियोग्राफी करने वाली थी पायल ने अपना, तो उसको उठाए, वो थोड़ा, वो भी टाइम लगा दिए, वो भी रेडी नहीं हुए थे, कैमरामैन खुद लेट आए, कैमरामैन में आया था गौतम, डम्पी और गोलू, 3 लोग लेट से आए, इन लोग पूरा सेटअप लेके आए, थोड़ा सा जाते जाते टाइम हो जाता है, तो ऐसा था। फिर उसके बाद हम लोग पायल को उठाए, टिक किए, फिर नन्नी के जाने के लिए भटक गया, मतलब भटके नहीं, गलत लोकेशन पर लेके चला गया मैं, फिर वहाँ गया, क्या बोलते हैं, नंदिनी के यहाँ गए, फिर नंदिनी को भी थोड़ा टाइम लगा, तो फिर उनकी मम्मी वगैरह आए छोड़े, फिर मैं इतना टेंशन में था, जाना है जल्दी जाना है, टाइम हो रहा करके, मैं किसी से मिल भी नहीं पाया, उनकी मम्मी से भी नहीं मिला, तो उस दिन का मेरे को खला भी कि मैं उनकी मम्मी से बात नहीं किया करके। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे इस तरह से और निकल गए यहाँ से, तो हमको रायपुर से निकलते तकरीबन 6 बज गया, सुबह का 6 बज गया, जो अपन लोग 4 बजे निकलने वाले थे, तो ऐसे तैसे करके डिले यहीं हो गया। फिर यहाँ से कंप्लीट लोकेश, करण, मैं, राजनंदनी और उनके साथ एक DI थी वो, पायल, गौतम, डम्पी और गोलू, इतने लोग एक कार में निकल गए, हम लोग का मतलब एक कंप्लीट टीम निकल चुका था। थी ड्रोन वाली की, ड्रोन वाला जो कि ड्रोन का भी बात हुआ था, ड्रोन के लिए ऋषभ ने बात किया था, वहाँ से कोई बसना साइड से कोई बंदा था जो आने वाला था आपका, नाम भटगांव से आया था बंदा, 2 बंदे थे जो वहाँ से आने वाले थे। हम लोग जैसे तैसे रेडी होके सब लोग पहुंच गए सरायपाली। अब सरायपाली में जाके वेट कर रहे ऋषभ लोग वेट करा रहे हैं, ऋषभ आया, रवि आया और 2-4 और बंदे आए जो कि हमारे साथ वहाँ लोकेशन पे जाने वाले थे, तो वेट कर रहे आए, ले दे करके आए, वहाँ हम लोग को 1-1.5 घंटा और टाइम वेस्ट हो गया, पहले ड्रोन वाले लोग को वेट किए, फिर ऋषभ लोग को वेट किए, फिर आए तो निकले, जैसे तैसे हम लोग वहाँ सरायपाली से निकले, पहुँचे हम लोग कहाँ, ऑन द स्पॉट जहाँ हम लोग को शूट करना था, तो इस तरह से था। तो जैसे पहुँचे हम लोग, फिर लोकेशन देखें, फिर रेडी होना था कौन सा शॉट कैसे लेना है, अब अगर
यहाँ लोकेशन पे अगर रैंडम जाओ तो आप लोग को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से लोकेशन पे क्या शूट करना है, कैसे शूट करना है, और लोकेशन पहले से फाइंड करके रखो तो समझ आता है कि तुरंत जाके यहाँ यहाँ शॉट लगाओ, समझ। लेकिन हम लोग लोकेशन को अच्छे से नहीं देखे थे, बस यूट्यूब में देखे थे, तो लोकेशन उन लोगों ने देखा तब तक मैं रेडी हुआ। रेडी होने के लिए वापस हम लोग को जगह चाहिए था, तो वहाँ एक रूम, वहीं एक दुकान वाला था उसको रूम होंगे, तो वहाँ नंदी नंदी कपड़ा चेंज किया हम लोग ने, चेंज किया, फ्रेश वगैरह हुए, फिर हम लोग ने शॉट लिया। पहले शॉट लेने से पहले हम लोग पूजा किया गणेश भगवान का, जैसे कि मैं अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग ने पूजा किया उसको। तो हम लोग ने पूजा किया गणेश जी का, वंदना किया, क्योंकि हम लोग सबसे पहले अगर शूट पे जाते हो तो एक मैं एडवाइस देना चाहूँगा जितने भी बंदे हैं मेरे आज इस वीडियो को देखोगे, सबसे पहले आप पूजा कीजिए गणेश जी का, आरती कीजिए, एक वंदना कीजिए, और सूट अच्छा होकर के श्रीफल तोड़िए एक्शन करके। आप श्रीफल जैसे तोड़ेंगे उसके बाद से आप जो आपके डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है, आप एज ए एक्टर एक्ट्रेस हैं तो उन लोगों का आशीर्वाद लीजिए जो आप उस दिन काम आएंगे, कैमरामैन है उन तरफ आप एक उस दिन आप उन लोग को इज्जत दीजिए, भले आप उम्र में छोटे रहें जो भी रहें, उन लोग को उस दिन को इज्जत देना है। तो ऐसा करके हम लोग ने वहाँ पूजा वूजा किया, सब किया, फिर हम लोग को शॉर्ट लगाना था, मेरा ब्लू ड्रेस का था और नंदी का क्रीम कलर का, और शायद ब्लैक कलर के नीचे में था उनका शॉर्ट था। तो हम लोग ने कुछ रनिंग शॉर्ट लिया, यहाँ मेकअप की पायली मेकअप करी मेरा, और नंदी तो सेल्फ मेकअप करती है तो उनको कोई इशू नहीं था, तो वो सेल्फ मेकअप कर लिए। हम लोग ने पहला शॉट लिया, पहला शॉट में ही बहुत टाइम लग गया क्योंकि धूप भी एकदम हो गया था। स्टार्ट कब हुआ हम लोग का, 1:30 बजे हम लोग का स्टार्ट हुआ शूटिंग, तो टाइम भी हो गया था, और ये मेरा पहला एल्बम था तो मैं थोड़ा नर्वस था ज़्यादातर, क्योंकि मैं बिहाइंड द कैमरा डायरेक्टर का काम करता हूँ, तो मेरे को कैमरा इन फ्रंट कैमरे के सामने आना था, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था। तो बहुत टाइम लगा पहले शॉट में, उसके बाद जो सीढ़ी का शॉट था जिसमें देखते हुए ऐसे करके हाथ फैला के रहता, उस शॉट को मेरे को हो ही नहीं रहा, मतलब मेरे से हो रहा था बट पायल के साथ हो रहा था, क्योंकि नंदिनी जी के साथ नहीं हो रहा था, क्योंकि नंदिनी के साथ बॉन्डिंग नहीं बढ़ रहा, वो फील नहीं आ रहा था मेरे को। तो यहाँ बस मैं एक टिप देना चाहूँगा जो वीडियो देख रहे हैं उन लोग को, भाई प्लीज़ अगर आप वीडियो कर रहे हो तो प्रैक्टिस करके जाओ, या फिर बंदी के साथ बैठ कर थोड़ा कम्फर्ट हो जाओ, थोड़ा मूवमेंट कर लो। उस टाइम पर अगर रैंडम शूट करोगे ना तो हाथ पकड़ने में थोड़ा सा हिचक होता है, अगर आप अगर रेगुलर एल्बम करते तो आपको नहीं होगा, लेकिन आप नए करोगे तो यहाँ पर आप हिचकोगे या फिर थोड़ा सा नर्वस फील होगा, और एक्सप्रेशन और कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं होगा। तो मेरे को सेम चीज़ हो रहा था, नंदी के साथ मैं पहले एक बार मिला था बट हम लोग ने प्रैक्टिस वगैरह नहीं किया था, और पायल के साथ मैं बहुत बार मिल चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, और शूटिंग में भी गए थे, तो उनके साथ एक बॉन्डिंग है तो उनके साथ फट नहीं कर रहा था। तो यहाँ बस गौतम मतलब इस मूवमेंट को वो करते हुए बोल रहा था, साले तू फील जिसके साथ हीरोइन के साथ फील करने उसको नहीं कर रहा है, उसको छोड़ के कोरियोग्राफर के साथ फील कर रहे हैं, इसी के साथ वीडियो शूट कर देगा क्या, मेरे को ताना भी मार रहा था। तो बहुत टाइम तक गौतम समझाया भी मेरे को, भाई मैं समझ रहा हूँ तेरे को फील नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बहुत कुछ बोला मेरे को, देख टाइम हो रहा है अपना ही, इतना दूर आए हैं, अपने लिए गलत है, तू वेट तू वैसे टाइम करेगा, तो ऐसा करके बहुत देर तक समझाया मेरे को। फिर मेरे को लगा चलो ठीक है,
फिर उसके बाद उस मोमेंट पे हम लोगों ने वीडियो शूट किया और उसके बाद जो बॉन्डिंग बना अच्छा बना। उसके बाद ड्रोन व्रोन का कुछ शॉट लेना था, वहाँ सब शॉट लिए, वहाँ पर शूट किए, उसके बाद कंफर्टेबल हो गया मैं। फिर मोमेंट बहुत अच्छा अच्छा नहीं कर रहा था, अच्छा अच्छा फील हो रहा था, उसके बाद मतलब मोमेंट निकल जा रहा था, कोई वो नहीं हो रहा था। जैसे कि आपको ड्रोन शॉट डाल के दिखाऊँगा, लोकेशन का पूरे लोकेशन का मैं वीडियो दिखाऊँगा आप लोग को, कैसा है लोकेशन, क्या है कैसा है, ड्रोन शॉट भी दिखाऊंगा, क्लिप में डालते रहूंगा बीच बीच में, तो आप देखते रहना। तो हम लोग ने उनको ड्रोन शॉट लिया, फिर पानी के किनारे बैठने का शॉट था, उनको इशारा करके बुलाता हूँ वो लिया हमने, तो भी अच्छे से हुआ। और हमारे पास वैनिटी वैन नहीं है, हम लोग छोटे हैं, यूट्यूबर हैं, ऐसा कुछ नहीं, कमरा चेंज करने का जगह नहीं था, तो वहीं पर कहीं कहीं पर जाके या फिर बार बार घर पे आके शूट लोकेशन पे जहाँ मतलब कपड़ा चेंजिंग का जगह दिखे थे, कपड़ा चेंजिंग की जगह पे आके चेंज करते थे, तो हम लोग को थोड़ा सा टाइम हो जा रहा था। उसके बाद था हमारा पानी का सीन, बहता पानी, वो भी और कब, नवंबर में, 2 नवंबर को हम लोग, सॉरी 1 नवंबर, 1 नवंबर को हमने शूट करा था, जिस दिन छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस था उस दिन हम लोग गाना शूट किया था। पानी में गए, ओहो हो, ठंडा पानी, कई बार गिम्बल चलाते चलाते डंपी फिसलते फिसलते बचे, एक दूसरे को हम लोग कैसे पकड़े थे और शूट कर रहे थे, मैं वीडियो दिखाऊंगा, इस तरह से हम लोग शूट कर रहे थे। शूट कर रहे थे, गिरने का बहुत चांस था, पानी बहता पानी मतलब कमर तक पानी, मेरे को उस पानी में घुसना था, उसके बाद नंदी के साथ मूवमेंट करना था जो ड्रोन से कैप्चर करना था, आपको वीडियो में डाल के दिखाऊंगा कैसा सीन था। तो देखंदे मैं रहो नहीं चू, पिरत के महीना चल दी तकर बेऊ, कुछ सीन इस प्रकार से था। उसके बाद हम लोग शूट किए वहाँ पर, उसका सीन अच्छा हुआ, उसके बाद ड्रोन का शॉट लिए, फिर कुछ शॉट और बाकी था, कुछ मूवमेंट लेना था लिए। उसके बाद शाम हो गया, फिर ग्रेन्स आने लग गया वीडियो में, दाना दाना आने लग गया, तो हम लोग बोले कि वीडियो ख़राब हो जाएगा, अब शूट नहीं करते, अब यहाँ से बंद करते हैं। तो हमने हम लोग ने बैकअप किया, मैं मतलब पैक किया सामान को। उसके बाद हम लोग को तकरीबन वहाँ 6-6:30 मतलब वहाँ कोई आदमी नहीं था हम लोग के अलावा, जितने शूटिंग में गए थे सब लोग बस मंदिर के पास पहुँचे वापस में हम लोग का। अब हमको लगा कि शूट कंप्लीट हो गया, तो हम लोग ने पैकअप कर दिया, अच्छा अच्छा काम निपटा करके हम लोग थैंक यू बोले, पैकअप किया वहाँ से। फिर हम लोग वहाँ से निकले और सरायपाली आए, सरायपाली से घर आए यहाँ। फिर हम लोग एडिटिंग के लिए हम लोग को बैठना था, तो गौतम बोला कि ये टाइम नहीं है एडिटिंग में, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उस टाइम वो बिजी चल रहा था,
तो इस तरह से बिजी चल रहा था कि जो 25 तारीख की डेट में डालना था उस डेट में नहीं डाल पाया वीडियो। जब हम लोग वीडियो एडिटिंग करने बैठे, इतना माथा पच्ची हुआ, ड्रोन वाले का कोई शॉट सही नहीं था, कभी कुछ कहीं कुछ, कभी कुछ कहीं कुछ। नया ड्रोन वाला था, बैंड बजा दिया था, मूड ऑफ। वीडियो एडिटिंग में बैठे हैं, जो मेरा स्टार्टिंग का जो क्लिप था पूरा गंदा, पूरा बकवास, मतलब फेस, मतलब ना बच गया था फेस का। अब यहाँ पर गलती किसका ठहरा हूँ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अगर बैक कैमरा रहता तो एक बार फुटेज देखता कि कैसा फुटेज है, बार बार चेक करता। इन लोग थे, इन लोग बोलते सब सही हैं कि सब सही हैं, शॉट सही हैं, और इन लोग का भी गलती था, कैमरामैन वाले लोग का, शॉट सही हैं करके निपटा रहे थे, हो जाएगा करके। अब चलो ठीक है, अगर तुम लोग देख रहे तो सही होगा, फिर मैं एक भी शॉट नहीं देखा था। तो एडिटिंग में बैठे तो स्टार्टिंग का पूरा शॉट गंदा हम लोग निकाला, जैसे भी था बना रहा हुआ करके। फिर जैसे तैसे वहाँ का पूरा सीन को लगाया कि ऑटो वगैरह लगाए, फिर बोलते हैं एडिटर लोग, दिलीप भैया, जीतू भाई और दुष्यंत भैया, सब लोग देखे क्लिप, बोलते हैं भाई यहाँ क्लोजअप ही नहीं है लड़की का, क्लोज शॉट नहीं है, कैसे करोगे ऐसे करके। मेरा पूरा मूड ख़राब। बात ऐसी हुई कि रीशूट डालने का चांस था, बट एक दिन का ही खर्चा इतना था ना, 10,000 प्लस खर्चा था एक दिन का। उसके बावजूद मेरे घर की गाड़ी थी, फिर भी गाड़ी का खर्चा निकालता तो और। तो मैं सर पकड़ लिया, क्या करूँ करके, इतना मेहनत किया था उस गाने के लिए, एक साल से मेहनत कर रहा था उस गाने के लिए। वीडियो से बना तो भी बहुत सारी गलती निकली, कुछ मेरे कैमरा मैन भाई लोग का निकला, कुछ मेरा निकला, कुछ हम लोग का स्टोरी में निकला। मेरा क्या था, प्री वेडिंग टाइप से कराना था, कुछ मैं अलग सोच के गया था, बट वहाँ जाने के बाद कोरियोग्राफर और डायरेक्टर बोलते हैं कि कुछ स्टोरी बनाते हैं, इस वजह से सब बिगड़ गए। मैं सर पकड़ लिया, क्या करूँ अब, मेरे पास बजट नहीं था कि फिर से शूट करूँ। फिर मैं नंदनी को बुलाया स्टूडियो, पीटीपी में बुलाया, नंदनी देखो कर गए। तो वो भी बोली अरे यार बहुत बिगड़ चुका है ऐसे करके। फिर वो भी बोले, तो हम लोग बोले कि वहाँ चलते हैं शूट करने, तो फिर इतना खर्चा आएगा, 10,000 से ऊपर खर्चा आ जाएगा ऐसे करके। इतना सोच रहे थे फिर हम लोग ने डिस्कस किया, गौतम, मैं, नंदनी, ये सब हम लोग डिस्कस किए कि कैसे करना चाहिए। तो गौतम बोला कि एक स्टोरी बनाते हैं, जो वो मूवमेंट था उस मूवमेंट को रहने दो, एक बेसिक स्टोरी बना देते हैं, हम लोग रायपुर में शूट कर लेते हैं इस स्टोरी को करके। तो गौतम ही स्टोरी बनाया, तो वही फिर एक दिन हम लोग टाइम निकाले, सुबह सुबह गए गार्डन में शूट किया, छेड़ी छेड़ी के गार्डन में आने का, सपना देखने का, वॉकिंग का, वॉक का, ये सब का हम लोग ने वहाँ शूट किया। फिर इसके बाद कुछ क्लोजअप लेना था, क्लोजअप के लिए हम लोग गए नया रायपुर, वहाँ गार्डन में, सेंट्रल पार्क में शूट किए क्लोजअप के लिए शॉट, कुछ मूवमेंट लिए, कुछ पीक क्लिप किए। फिर उसके बाद वो स्टोरी अनकम्प्लीट ही थी, वहाँ पर स्टार कम्प्लीट नहीं था, हम लोग को एक कैफे टाइप सा जगह चाहिए था जिसमें स्टोरी कम्प्लीट करें। वो स्टार्ट हो गया, और म्यूट था जो हम लोग उड़ीसा सीट से शूट किए वो, और इंड के लिए हम लोग को और शॉट लेना था। फिर उसके लिए हम नन्नी से बात किए कि यार नाइट में शूट करना है वो शॉट, तो आप नाइट में निकलोगे क्या, मेरे यहाँ अलाउ नहीं है 7 बजे के बाद। सर पकड़ के फिर बैठ गए, फिर टेंशन क्या करें। तो फिर नन्नी बोलती है कि मेरे यहाँ भी लाइट वगैरह लगा हुआ है, झालर लगा हुआ है, और मेरा घर का लुक कैफे टाइप से बना सकते हैं, तो आप घर में आके शूट कर लो, बेटर है, फिर घर में आके शूट करते हैं, आप कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं। तो फिर हम लोग ने एक दिन पोट्रा वोट्रा लिया, फुल सेटअप लिया वेडिंग का, और फिर हम लोग पहुँच गए राजनंदनी के घर शूट करने के लिए। गुलाब फूल वगैरह लिए, वो भी एक दिन पहले लिया, उस दिन कैंसिल। फिर मैं गौतम के मुँह, मतलब एक दिन पहले ही शूट करना था, तो उस दिन मैंने गौतम को बोला था, नन्नी भी रेडी हो गई थी,
बट क्या हुआ, गौतम कुछ काम आ गया तो कैंसिल हो गया, तो मैं गौतम के ऊपर बहुत सर का भाई, शूट ही नहीं करना है मेरे को गाना, जितना है उतने में बनाना है, रहने दो, इनमें कुछ नहीं डालना है करके। तो फिर ऐसा था, फिर ले लेगा गौतम, बोला नहीं कैसा नहीं करेगा, करेंगे। फिर नेक्स्ट डे वो बोला है, पहले रोज लेके लाया था, रोज भी थोड़ा सा मुरझा गया, फ्रिज में रख दिया था तो थोड़ा ताज़ा था। फिर उसके सेकंड डे नाइट में हम लोग शूट करने के लिए गए वहाँ नंदनी के घर, सॉरी तो मैं कहाँ पहुँचा था, नंदनी के घर, जैसे कि कैफे वाला लुक, उसके घर अच्छा है, अच्छा सा है, तो उसके घर में कैफे वाला बनाया कि वेटिंग कर रही है, मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ जीतू जीतू ध्रुव करके एक है मेरे भाई, वो गए थे, गौतम गया था, मैं गया था, हम लोग सब गए थे। तो ऐसे करके हम लोग ने वहाँ का सीन शूट किया, प्रपोज वाला सीन था जिसमें कि प्रपोज करना था, तो गौतम बताता है कैसे प्रपोज ये वाली क्लिप में देखना, धो लेना। चलो चलो, इसके ऊपर डिपेंड करता है ना कुछ। चलो जैसे कि क्लिप में आप देखोगे गौतम प्रपोज करना कैसे बता रहा है उसको, फनी मोमेंट है। तो आप लोग ने कुछ ऐसा शूट किया यहाँ पर उसका, फिर जैसे जैसे यहाँ का पूरा सीन कंप्लीट हुआ, फिर वहाँ से बंद करके हम लोग घर आए, फिर एडिटिंग में बैठे, एडिटिंग में बैठे तो थोड़ा लगा हाँ यार अब थोड़ा सा होगा करके। उसके बाद पूरा एडिट हुआ, सब हुआ, एडिट करने के बाद रेडी हो गया एल्बम, पोस्टिंग के लिए डेट देखे, मैं जिस डेट में जा रहा था उस डेट में कोई और भाई का गाना आने वाला था, लोकेश का गाना आने वाला था, मतलब लड़का चाहिए बात ख़त्म, तो सेम सेम डेट में हम लोग का एल्बम टकरा जाता। अन्य भाई का कुछ और एल्बम आने वाला था और ओम स्टाइलो भाई का कुछ एल्बम आने वाला था, सब टकरा जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक डेट डिसाइड किया, तो उस डेट में हम लोगों ने रिलीज़ किया, फिर जब रिलीज़ हुआ करके हम लोग ने एक सक्सेस पार्टी मनाया गौतम वौतम सब मिल के। बट जिस हिसाब से हम लोग व्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस हिसाब से गाना था, उस हिसाब से व्यू नहीं आया। क्यों नहीं आया इसको मैं बताऊँगा, क्यों नहीं आया इसका रीज़न ये है कि लॉकडाउन की वजह से 11 महीना मेरा चैनल डेड था। अगर आपका चैनल डेड है, आप रैंडम अगर कुछ चीज़ डालते हैं तो वो ग्रो नहीं करता। तो यहाँ मैं मेरे सभी भाई अगर जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को टिप्स दूंगा कि भाई अगर आपका चैनल डेड है तो बड़ा बजट का काम मत करना, छोटे बजट डाल के इस चैनल को रेवेन्यू को बढ़ाना, उसके बाद ही बड़ा प्रोजेक्ट करना। तो डायरेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया, तो गलती यहाँ पास ही मेरी। तो चैनल में डाला तो इतने अच्छे से व्यू नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं थोड़ा सा हताश हो गया यार। तो बहुत समझाया नंदनी वंदनी ने मेरे को, समझाया कि नहीं चलो कोई बात नहीं, ऐसा है वैसा है करके। फिर अभी क्या होता है, जब उस गाने को मैं जब मेरे को लोग सुनते हैं उस गाने को, तो आज भी मेरे को बोलते हैं भाई क्या गाना है, क्या गाना है, बहुत प्यारा गाना है। एक हैं भिलाई के डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, मयंक मयंक भाई, जो मेरे को जब उनसे मैं एक दिन मिला कि उन लोग उनको रैप सॉन्ग बनाना था स्टूडियो में, रैप सॉन्ग बनवाना था, स्टूडियो आए थे सोनी रिकॉर्डिंग में। तो जब हम लोग मिले तो उसने बताया कि भाई मैं इस गाने को एक दिन पूरा जिम करते हुए पूरे लूप में सुना हूँ, पूरे जिम वाले लोग को सुनाया हूँ, ऐसा करके। मैं बोला बहुत बढ़िया भाई, भाई गाना इतना अच्छा है कि ना इस गाने में भी, लेकिन क्यों नहीं आया बोले। बोला नहीं पता भाई, बस चैनल डेड था इस वजह से है कि क्या है मेरे को नहीं पता, कैसे भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, ऐसे करके मैंने उनको बोला। फिर वो बोले कोई नहीं, तो बोलते हैं कि ये गाना हमको चाहिए, कितना पैसा लगेगा। मैं बोला भाई इस गाने के लिए अगर ना आदमी 1,00,000 रुपये भी दे देगा ना, मैं सीधा बोला इस गाने के लिए, माही माही साहू और वही थे मयंक भाई,
इस गाने के लिए अगर कोई लाख रुपए भी दे देगा तो गाना नहीं दूंगा। मैं इस गाने के लिए अपने एक साल दिए हैं, बहुत कुछ है इस गाने के में, ऐसे करके मेरा मेहनत, मेरा उतना दिन का वो परिश्रम, ऋषभ भाई का हर एक चीज़ में, हर एक मोमेंट में ऋषभ भाई मेरा साथ दिया था उस टाइम उस गाने में। तो ऐसे करके मैंने बोला तो फिर ठीक है करके कोई बोले। फिर उसके बाद मेरे मामा हैं मुकेश, मुकेश गायकवाड़ यहाँ रायपुर के, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार मामा पहली बार मेरे को छत्तीसगढ़ी में कोई गाना पसंद आया है, ये गाना है करके लिटरली मेरे को कॉल करके बोले मामा। और मतलब वो सपोर्ट करते हैं बट वो ज़्यादा छत्तीसगढ़ी गाना को उनको पसंद नहीं आता। मेरे बिना बोले उन्होंने स्टोरी लगाया, शेयर किया, उन्होंने सब चीज़ किया। फिर वो ना वो बोले कि मामा इस गाने को मैं बनाना चाहता हूँ, ऐसे करके। मैं बोला मामा इस गाने को तो मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि ये गाना मैंने इस गाने के लिए बहुत टाइम दिया, बहुत सारा मेरा चीज़ है इसमें, ऐसे करके मैं नहीं दे पाऊँगा करके। तो उनको सॉरी भी बोला मैं कि यार ये नहीं दे पाऊँगा, भले दूसरा बोलोगे तो वो दे दूँगा करके। तो उन्होंने कोई नहीं मांगा, ऐसे करके बोला। फिर मेरे को इस गाना को और एक बंदा वीडियो बनाऊँगा करके मेरे को बोला था, बिलासपुर साइड का है उसका नाम, भूल जाऊँगा, इंस्टाग्राम किंग करके क्या तो है उसको इंस्टाग्राम का। तो वो बोला यार गाना बहुत प्यारा है, जैसा है वैसा। तो मैं बोला भाई नहीं दे पाऊँगा ये गाना, इस गाने का छोड़ कोई भी गाना बना लेना करके। आज भी मेरे पास इतने जो भी लोग सुनते हैं बोलते हैं यार मिलियन के लायक गाना है, मिलियन के लायक गाना है, लेकिन अभी तक हुआ क्यों नहीं है, इतना अच्छा गाना है व्यू क्यों नहीं गया है। मैं कुछ नहीं बोल पाता गाना इतना अच्छा है क्यों नहीं गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। जिस गाना को मैं एक साल दिया मैं उस गाना को, वो गाना को बनाने के लिए इतना मेहनत किए, दो दो बार सूट कहाँ उड़ीसा गए, कितना बजे उठ के गए, रास्ते में सोए नहीं थे, गौतम मेरे बार बार बोलता था सो जा भाई सो जा, तेरा चेहरा कैमरे में अजीब सा आएगा सो जा, इतना समझाया फिर भी इतना मेहनत के बाद उस गाना में जिस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट किए थे नहीं गया। ठीक है, अभी भी मेरे को कॉल्स आते हैं जो लोग गाना सुनते हैं, भाई टू गुड गाना है यार, मिलियन के लायक गाना है, इसको जी म्यूजिक में दे दे। अभी सडनली मेरे को आप जानते हो कि चंदन वर्मा जो कि नागपुर से हैं, अपना भाई है, वो सडनली बोला कि भाव इस गाना को बनाते हैं और जी म्यूजिक में देते हैं, खर्चा मेरा रहेगा। बोला मैं बोला भाई अगर जी म्यूजिक वाला लाख रुपया भी फेंक देगा ना, आपको स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ व्हाट्सएप का, लाख रुपया भी अगर दे देगा ना तो भी मैं उसको नहीं दूंगा। जो मेरा मेहनत, जो मेरा फीलिंग है इस गाने के लिए, जो मैंने फील करके बनाया है इस गाने को, वो मैं कैसे दे दूँ भाई, ऐसे करके। तो बोलता है गाना तो बहुत अच्छा है भाऊ, मिलियन के लायक गाना है, लेकिन व्यू क्यों नहीं गया। बोलते सब लोग यही पूछते हैं, हर एक बंदा अगर कोई अगर मेरे इस गाना को सुनता है तैमोरे में वो सब लोग पसंद करते हैं, सब मतलब तो क्या ही बोलूँ। बट व्यू के लिए सब लोग पूछते हैं यार व्यू क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया। मैं खुद समझ नहीं पाता व्यू क्यों नहीं गया, बट एक चीज़ सोचता हूँ कि मेरा चैनल 11 महीने डेड था इसलिए नहीं गया। तो ये गलती आप लोग मत करना, चैनल डेड रहे तो इस तरह से मत डालना वीडियो, कुछ और डाल के करना, तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और आज भी लोग मेरे को इस गाने के लिए बोलते हैं कि मेरे को कवर करने दे दो, मेरे को ऐसा करने दे दो, मेरे को बेच दो बोलते हैं, बट मैं नहीं देता क्योंकि जिस गाने को मैं अपना एक साल दिया हूँ, इतना वक्त लगाया हूँ, इतना टाइम से मैंने बनाया है, इतना मेहनत किया, दो तीन बार शूट किया हूँ, तीन टाइम कैमरे का रेंट, एडिटिंग, एवरीथिंग, बहुत कुछ है इस गाने में। बट व्यू नहीं है कोई बात नहीं, मेहनत कर रहा हूँ। उसके बाद बनाया मैंने चल मोर संग संग बनाया, संगीरे बनाया, उसके बाद अभी और वीडियो आने वाले हैं, सब्र करो, फाड़ने के लिए रेडी हैं। अभी कुछ सेटअप लग रहा है अपने स्टूडियो में नया सोनू रिकॉर्डिंग में, तो एक महीना कुछ टाइम लगेगा इसलिए मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा है अभी। और कुछ दो भक्ति वाले गाने हैं, और दो भक्ति वाले गाने तो हिंदी में, भक्ति वाले गाने तो हिंदी में हैं, और दो छत्तीसगढ़ी सॉन्ग हैं जिसको
बनाना है, दो नहीं तीन है, तीन गाने हैं जिसको बनाना है, बट टाइम नहीं है और बार बार लॉकडाउन की वजह से स्थिति ख़राब हो जा रहे हैं तो शूट भी नहीं कर पा रहे हैं, बट बहुत जल्दी शूट करेंगे, आएगा गाना चैनल में। वेट करना, सब्र करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करो यार, बहुत कुछ है, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। जिस हिसाब से अभी 7,500 हुआ है गाना, 7,500-8,000 हुआ है यार, मिलियन का लायक गाना है बोलते हैं लोग, बट आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, मेरे को समझ नहीं आता। सपोर्ट करो गाना को, महबूब को लिंक दे दिया हूँ आई बटन में, देखो वीडियो को, शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और फाड़ के शेयर करो, जहाँ जितना करना है करो, जितने आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप जितने कॉन्टैक्ट हैं बस महाकाल की जय बोल के फाड़ दो। तो भाई सपोर्ट करते रहो यार, डीमोटिवेट मत करो, डीमोटिवेट करते हो ना टूट जाते हैं यार। तो ये था इस गाने का जर्नी, कि मैंने कैसा क्या कितना क्या किया, और कुछ छूट गया होगा तो नहीं बोल सकता, बट इतना था। जितने लोग ने इसमें हेल्प किया सबको थैंक यू। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इस गाने में एक्टिंग मैं किया हूँ, मेरा नाम यश सावलकर है और इस गाने के एक्ट्रेस हैं राजनंदनी राव, और इस गाने में स्वर दिया है, सिंगर हैं इस गाने के एनी सोनी और लता महानंद, और इस गाने में डायरेक्टर हैं गौतम साहू, कोरियोग्राफर हैं पायल नायक, कैमरामैन सिनेमेटोग्राफी जो किए हैं वो हैं डम्पी साहू, जिनका ओरिजिनल नाम है देवेंद्र साहू, और इसमें असिस्ट किए हैं गोलू वर्मा, और मेरे सहयोगी दोस्त हैं लोकेश, करण, ऋषभ, ड्रोन वाले भाई रवि और रूपाली, और क्या बोलते हैं विराज, सुष्मिता और जीतू ध्रुव भाई जो कि सेकंड डे हमारे शूट में गए थे, और जो नंदिनी के साथ दीदी आई थी वो, इस तरह से जितने भी लोग ने मेरे को इस गाने में सपोर्ट किया शूटिंग में, एडिटिंग में, एवरीथिंग, दिलीप भैया, जीतू दुलरवा भाई, सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सके तो इस वीडियो को वायरल करो, जो मेरा महबूब सॉन्ग है मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। तो प्यार बनाए रखना यार, जल्दी आएंगे कुछ नए गाने के साथ, कुछ फनी रैप, कुछ और, कुछ मजा आएगा, बस लगे रहना चैनल में। बाय बाय, टाटा।